For more television gossips, hit the bell icon and never miss a video from Lahore's small screen. घर पर है क्या मैं आज हमारे साथ जो जोड़ी है भाई उसे तो आपने बिग बॉस में देखा ही, साथ ही साथ आपने नच बलिए में भी उनका धमाल परफॉर्मेंस देखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोनालिसा एंड विक्रांत की। आज हम आ पहुंचे हैं उनके घर आपको दिखाने के लिए और बताने के लिए कि विक्रांत और मोनालिसा कैसे रहते हैं, कैसा है उनका पूरा घर और सपनों का आशिया। तो चलिए डोर बेल बजाएंगे, बज चुका है, अब बस थोड़े देर में ये डोर ओपन होगा एंड देन हम देखेंगे उनके अंदर की दुनिया रियल लाइफ से रियल लाइफ में। ओके, हाय मोना, जैसे कि आप देख रहे हो, हाउ आर यू? ओह माय गॉड, सी जैसे कि हमने कहा था, आपकी मोना कितनी चेंज हो गई है और इसका सारा क्रेडिट मोना आप किसको देंगी? ये तो बहुत ज़्यादा कोशिश करते ही थे पहले कि मैं रिड्यूस हो जाऊँ, बट मैं ये फुल श्रेय सबसे पहले मैं बिग बॉस को ही देना चाहूँगी, क्योंकि मैं वहाँ जाने के बाद 8 kgs लूज किया एंड उसके बाद जब वापस बाहर आई तो नच बलिए करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत होती थी, डांस करते थे, उसमें और 3 kilo कम हुआ। खैर ये तो है फिटनेस की बात, इसके बारे में हम इतनी आसानी से इनको नहीं छोड़ेंगे, पूरे डिटेल लेंगे और आपको अंदर तो जी हाँ, सो प्लीज़ कम। एंड विक्रांत, आज विक्रांत को भी हमने पकड़ लिया है, वैसे इनके पास टाइम होता नहीं है, बट हमने कहा कि लहरे की टीम आ रही है तो ऐसे कैसे आप कहीं जा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोना एंड विक्रांत आपको दिखाएंगे अपने सपनों का आशियां कि कैसा है इनका, तो इनकी 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 घर की कहानी इन्हीं के ज़ुबानी। तो अब हम ये कारभार इनको सौंपते हैं, देन फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ, सबसे पहले एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मंदिर जाऊँ। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले ये मतलब आज मैं जो कुछ भी हूँ बॉम्बे में, मतलब जो कुछ भी आज मैंने किया है सब इनके वजह से किया है। सिद्धि विनायक जी को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ और ये है बड़ो काछारी मंदिर। मैं बंगाली हूँ तो वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा जाती हूँ, जब भी कलकत्ता जाती हूँ तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। तो अभी आगे बंगाली लोगों का तो ये मुझे बड़ा क्यूट लगता है। फिलहाल जितने भी लोग आते हैं वो बोलते हैं कि काफी अच्छा है। होता है ना जैसे फुल फैमिली साथ में बैठ के खाना, तो यही कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने बनाया है। और अभी आइए हमारे लिविंग एरिया में, छोटा सा आशियाना है लेकिन हमने उसको बहुत क्यूट तरीके से रखा है और मुझे अच्छा लगता है, मतलब छोटा हो लेकिन बहुत अच्छा हो। गार्डन में भी मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स होते हैं और कुछ जैसे तुलसी जी हैं, मैं उनको पानी भी चढ़ाती हूँ रोज़। हाँ, और फिर कुछ मतलब ये जो है ये बताओ। ये नहीं बताऊँगी कि इसमें पैसा आता। ये मोना ने मुझे दिया था, मेरे हिसाब से दिया था मोना ने। हाँ, सिंह राशि, तो सिंह इनका सब कुछ है भी। और ये मेरा एरिया है, ये बुक्स, मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ पढ़ना, मतलब नॉर्मल फ्री टाइम पे मैं देखती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ। कुछ मतलब मेरे फेवरेट हीरोइन के बुक भी है, करीना कपूर, उनके बारे में मुझे जानने का मन होता है। कुछ रोमांटिक लव स्टोरीज मैं ज़्यादा रखती हूँ एंड मैं मोस्टली डाइट, सब डाइट फूड एक्सरसाइजेज इस टाइप के, यहाँ पे भी कुछ बुक्स है। मतलब रोज़ कुछ ना कुछ क्रिकेट गेम तो होता ही रहता है, तो क्रिकेट देखते हैं बैठ के, और फिर हम लोग जब गाने वाने भी देखते हैं, तो ये इनका एरिया है। और आगे आइए अभी। हाँ,
हाँ, ये कैसे मैं भूल सकती हूँ, ये बहुत ही क्यूट फ्लावर्स है और मैचिंग भी है विद दी सोफा, सो वेरी नाइस। और मतलब लकीली सबको अच्छा भी लगता है, यू नो ग्रीनरी एंड चारों तरफ ये सब, ये सब ये मुझे खासकर ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी आइए मेरा सबसे क्यूट प्लेस जो मेरा, हाँ मतलब जब इनका क्रिकेट मैच यहाँ लिविंग रूम में चलता है तो मैं कभी कभी अंदर बैठ, क्रिकेट को पसंद नहीं करती, नहीं पसंद करती हूँ, ऐसा नहीं है मतलब, तो हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ चलेगा, तो हर टाइम देखना है, हर टाइम मतलब मुझसे बात करना भूल के क्रिकेट ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो तो हर एक कोई करता मुझे लगता है। तो आइए मैं आपको मेरा क्यूट सा बेडरूम दिखाती हूँ। हाँ ये भी एक मतलब हॉर्स का ये है कि हमेशा हम लोग आगे की तरफ अग्रसर हो, तो ये भी इसका भी एक हाँ रनिंग हॉर्स इसका है, और बस ये भी छोटा सा क्यूट सा है। एंड ये मेरा वार्डरोब है, वार्डरोब में ये मेरा फेवरेट मतलब जगह है, क्योंकि आई लव शॉपिंग, आई लव वेयरिंग न्यू क्लोथ्स। एंड हालांकि मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, मैं बिग बॉस में मुझे कपड़े भेजे नहीं जाते थे मेरे घर से, वॉट अब सच्चाई भी बता दो क्या मैं यहाँ पे होता था, नहीं होते थे, लेकिन ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे लोगों को बताया है कि जिस टाइम ये बिग बॉस के घर के अंदर होती थी। हाँ, ये है कि मतलब मैं हम लोगों को नहीं पता था कि हम लोग इतने टाइम तक रुकेंगे, तो हम मतलब बहुत ही कम कपड़े मैं लेके भी गई थी, वो अलग बट उसके बाद ये बाहर बाहर बाहर, और मैं मेरे लिए कपड़े यहाँ से घर से जा ही नहीं रहा है, कोई भेजने वाला भी नहीं, स्टोरी चलाते थे बंदा कपड़े ही नहीं भेजा, और मैं अब मुझे तो यही लगता था ना कि मेरे को थोड़ी ना वो लोग कुछ बताते थे कि ये है नहीं या वॉट एवर, मेरे लिए कपड़े नहीं आते थे, मैं रोती थी, बहुत रोती थी। ये है मेरे तो इसके अलग सेक्शन, फिर ये है टॉप सेक्शन, यहाँ पे भी टॉप सेक्शन, यहाँ पे नाइट वेयर्स ठक करके रखती हूँ, ये ऊपर मेरे सारे पर्स सेक्शन, बहुत सारे पर्स, ये सारी सेक्शन। अच्छा ये मैं बता दूँ बहुत कम है। हाँ, ये ट्राउजर सेक्शन अभी के टाइम में क्या होता है कि मुंबई जैसे जगह पे बहुत हाँ, कम जगह मतलब मुंबई जैसी सिटी में बहुत कम जगह होते हैं सामान रखने के लिए, तो ये जो बेड देख रहे हैं ना आप, बेड इतना बेड के अंदर, इसके सोफा अंदर के अंदर, दूसरे बेडरूम में भी वार्डरोब है, तो बहुत जगह है, बट ये मतलब ये मेरे फ्रॉक सेक्शन मुझे सबसे अच्छा, ये हाँ ये ट्राउजर सेक्शन एंड यू नो जितने भी स्कर्ट्स एंड हॉट पैंट्स, और ये मेरे क्यूट सा फ्रॉक सेक्शन, क्योंकि मुझे फ्रॉक्स बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट आई थिंक यही है, और बाकी सारी उस साइड में भी है। हाँ लड़कों का देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं जितना सही करती हूँ, जितना पैकिंग करके अच्छे से रखती हूँ, उतना ही यू खराब करते हैं। ऐसे मैं दिखा दूँ ना, देखो ऑल इन अ मेस, ऐसे कोई फेंकता है, ऐसे कोई फेंकता, इमेजिन। हाँ फिर भी मैं ये सेक्शन थोड़ा ठीक से रखी हूँ, एंड यू नो टी शर्ट सेक्शन इज हॉरिबल, मैं तो रखती हूँ ना, तुम क्यों खराब करते हो, ऊपर का देखो, ओ गॉड ऐसे कोई रखता है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जगह पे कपड़े कहीं ना कहीं मतलब रखा हुआ है अंदर, जो ठीक है इतना ही देख लिया। आइए अभी हम लोग, एंड ये सबसे अच्छा है क्योंकि ये किचन है, यहाँ से ही हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, मतलब जो भी डाइट फूड भी किचन से ही स्टार्ट होता है। ये तो अब तक मुझे लगता है सबको पता हो गया कि मुझे कुछ भी नहीं आता है बनाना इनको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। क्या आपने पूछा इनको क्या बनाने आता है क्या अच्छा बना के इनको खिलाना, ये शायद क्वेश्चन उल्टा है, बिकॉज इनको क्या क्या खाने आते हैं ये क्वेश्चन होना चाहिए, बट फिलहाल जब से ये अपने आप को फिट कर ली हैं तब से ये थोड़ा सा खाने से दूर भागती हैं, लेकिन फिर भी ये बंगाली हैं तो उस चीज़ को नहीं भूल पाती हैं। हाँ मुझे फिश राइस बहुत पसंद है, मुझे राइस ही बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे राइस से हमेशा मतलब टोका जाता पसंद है, दाल भी पसंद है, दाल तो बहुत पसंद है, और फिर देसी चिकन होता है ना, इतना अच्छा बनाते हैं, हमारे यूपी में और बिहार में बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लोग पसंद करते हैं, ताकत बहुत होती है उसमें। एक्चुअली मैं देसी चिकन ही खाता हूँ, गाउटी चिकन, देसी गाउटी, गाउटी होता है, देसी अलग होता है,
तो ये पहले खा नहीं पाती थी उसको, लेकिन फिर बाद में इनको ऐसी लत लगी कि ये जब भी होता है वही अच्छा लगने लगा। तो बिग बॉस में भी बोली थी कि हम लोग तो गांवटी चिकन खाते हैं। हाँ, दिखाया था। हाँ, दिखाया था। हाँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि नॉनवेज वगैरह कुछ मिलता नहीं था, मतलब उसके लिए भी हम लोगों को वो करना होता, लग्जरी बजट हम लोग को। और मैं बता दूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि मोना इतना दुबली कैसे हो गई, देखिए इन लोगों को गरीब बना दिया था बिग बॉस ने, खाना नहीं देना, मतलब पानी पी सकते चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं, मतलब चावल दाल, अब ऐसा भी नहीं कि हर चीज मिलता था, जैसे आप बाहर होते तो कुछ भी मन हुआ तो आपने खा लिया, मंगा लिया। बात यह है कि बनाना पड़ेगा, अब बना के कौन इतना खाने का, वो एक से एक झूठे कुक थे वहाँ पे। लेकिन एक था, नहीं नहीं, दो तीन लोग बहुत अच्छा बनाते थे, जैसे मन्नू लोपा, ये लोग अच्छा खाना वो लोग बनाते, वही लोग तो खिलाए हम लोगों को, वो लोग खाना बनाते थे। अच्छा बनाने में बात दूसरी रहती है, लेकिन वही होता है ना कि कभी कभी मजबूरी में कुछ भी टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है अगर आपको बहुत ज्यादा। और सबसे अच्छा दिन होता था फ्राइडे, जब हम लोगों के लिए सलमान सर अपने घर से खाना लेके आते थे, हम लोग पागल रहते थे, ओ गॉड। और सबसे अधिक खाना उस दिन आया था जिस दिन मैं गया था, मैं वहाँ पे गया था तो सबके लिए बहुत ज्यादा खाना आया था, और लोग सुबह से लेकर रात तक। हमारी शादी थी तो ये तो दावत तो होना चाहिए ना। घर की बातें तो हो गई, अब हम बात करेंगे इन दोनों की जर्नी की, लाइक कैसे मिले ये दोनों और इतने क्लोज आए, और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन्होंने बिग बॉस के घर पे ही शादी कर ली, और अभी तक हमें रिसेप्शन नहीं मिला बाय द वे। हाँ, ये शिकायत तो सबको है सीरियसली, बट करेंगे, हम लोगों को टाइम नहीं मिला। ये शिकायत नहीं है लोगों में, पहले उन लोगों ने बोला था कि आपको जल्दी जल्दी पार्टी देना, ये करना, लेकिन जैसे ही हम वो निकले वहाँ से, तुरंत हमको नच वाली ये ऑफर हो गया। तो हमारे जो अपने लोग हैं या जो भी लोग थे फ्रेंड्स लोग, उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं आप उस चीज़ को करो। हाँ, वो अच्छे से करो। हाँ, उसको अच्छे से करो। हम लोग मिले थे 2008 में, एक भोजपुरी फिल्म कर रही थी मैं उस समय, दूल्हा अलबेला, तो उसी में हमारी। हाँ, सीरियसली। हाँ, मुझे लगता है सब कुछ संजोग ही है, एक संजोग करके फिल्म भी कर रहे हैं अभी, तो नहीं पता था सही में, और ये सही में अलबेला ही थे, और वही दूल्हा। हाँ हाँ, मतलब हो, ओहो मेरा हिंदी ठीक है, मैं गलत बोल देती हूँ कभी कभी, इसको लेके भी सुनना पड़ता है। तो हम लोग बहुत अच्छा सफ़र था, मतलब उस शेड्यूल को हमने इतना जिया है कि मतलब मन ही नहीं हो रहा था कि ख़त्म हो। बहुत अच्छे से हम लोग शूट भी किए, और केमिस्ट्री हमारा धीरे धीरे बढ़ता गया, और फिर जब शूटिंग शेड्यूल ख़त्म होने को आया तो बहुत ही बुरा लग रहा था कि क्यों ख़त्म हो रहा है यार ये वो। फिर वहाँ से हम लोगों को, मतलब मुझे एक और दूसरे शूटिंग पे जाना था, वो भी मतलब आउट ऑफ टाउन, तो हम लोग वाई में दूल्हा अलबेला का शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ से बॉम्बे आए, फिर मैं चली गई, और जो बाहर जाने के बाद जितना मतलब बुरा हालत था कि मैं रह नहीं पा रही थी 24 आवर्स, जब तक मतलब शॉट ऑन होता था तब तक मैं कैमरा के सामने होती थी, बाकी टाइम फ़ोन पे रहती थी, इतना ज़्यादा मिसिंग हो गया था। तो और उस टाइम बहुत चार्ज लगता था। हाँ, इन्होंने जैसे बताया कि दूल्हा अलबेला, हम एक फिल्म कर रहे थे, लेकिन पीछे से भी एक फिल्म चल रही थी, बट हमको ये नहीं पता था कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये हमको नहीं पता था। बट सीरियसली मैं जिस टाइप का हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बड़े अच्छे लगने लगते हैं, मतलब होता है ना कि मोना भी इनके अंदर एक ऐसा था कि पहली बात तो कोई एटीट्यूड नहीं था, और जैसे एक होता है ना कि हर एक इंसान इसके लिए एक जैसा था, चाहे इसका मेकअप मैन दादा हो, चाहे इसका बॉय हो, चाहे कोई भी हो। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा वो होता है कि ये इनका डिपार्ट है, तो आप यहाँ पर रहो, आप वहाँ पर रहो, तो मोना एक तरीके से फैमिली टाइप में वहाँ रहती थी, जो भी इनके साथ रहते थे, और मैं बहुत क्लोज रह हूँ अपने फैमिली से, तो मुझे तो सबसे पहले ये अट्रैक्ट लगा, खूबसूरत हैं, इसमें कुछ बात छुपाने की थी ही नहीं, और ये भी चंचल थी, मतलब बहुत ही क्यूट टाइप की लगती थी, और मैं थोड़ा सा नक चढ़ा दबंग टाइप, लाइक सलमान खान टाइप का नेचर, तो खेलने कूदने वाला मैं हूँ, आज भी मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ,
हमको ये भी नहीं पता चला कि अट्रैक्ट ये हुई या मैं हुआ, हम कब हो गए हम चालू थे बात करना, और मैं अपने उसी स्टाइल में जो अंदाज होता है उसी हिसाब से बात करता था, और ये बहुत ही भोली भाले तरीके से इन चीज़ों को वहाँ पे जो कुछ लोग थे हमारे जो प्यारे मित्र जो हमसे नफरत करते थे मैं उनको मित्र बुलाता हूँ क्योंकि उनकी वजह से कहीं ना कहीं हम और क्लोज आए हैं क्योंकि मेरे हम लोगों की मतलब पर्सनल लाइफ में नज़दीकियाँ पसंद नहीं होती। फिल्म से मतलब नहीं था उनको भाई मतलब सारा कारोबार भी उनके ऊपर ही था फिल्म बनाने का, लेकिन उनको फिल्म गई इधर तेल लगाने, इनको देखो। और मैं थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का रहा हूँ, आज भी हूँ, बट कहाँ पे मैं जिद दिखाता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ जहाँ पे दिखाना चाहिए। मैं जानबूझ के भी करता था कि अगर कोई आपसे जेलस हो रहा है कि जैसे कि किसी को लग गया कि अरे यार एक दूसरे से क्लोज नहीं आने चाहिए दोनों, तो मैं डेफिनेटली जानबूझ के उनके सामने क्लोज आता था कि देखो मैं आया, तो ये चीज़ें करता था कि उनको बताने के लिए कि आपकी ये जगह नहीं है हमको रोकने की, ना तो आपका कोई हक है ना कुछ है, ना तो हम गलत है, कुछ भी नहीं। मतलब रखो कि हम सिनेमा से मतलब रखो या जो भी शूट कर रहे हैं हम जा रहे हैं, आफ्टर पैकअप हम लोग बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको क्या मतलब है। तो एनीवे वो स्टोरी एक नहीं, मजा था, मुझे तो बड़ा मजा आता था कि बेवजह बुलाता था, अरे यार मोनालिसा किधर है, जैसे मुझे मालूम है बंदा सामने बैठा है और उसको पसंद नहीं है कि विक्रांत मोना के साथ बैठे, तो मैं जानबूझ के उसी के सामने बोलता था कि अपने जो भी है मेरे दोस्त, यार मोना नहीं दिख रही, किधर गई वो लड़की, ऐसे तो जानबूझ के कि उस आदमी को कुछ हो ऐसा। तो ऐसे बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि उनके चक्कर में भी कहीं ना कहीं हम और भी क्लोज आए। फिर इसके बाद हम लोग 3 या 4 महीना लिए थे एक साथ, मतलब शिफ्ट हो गए टोटली। 3 महीना हाँ, अप्रैल में मिले थे हम लोग और सितंबर में हम लोग एक साथ शिफ्ट हो गए एक रेंटेड अपार्टमेंट में, यारी रोड में रहती थी उस वक्त। और फिर इतने सालों का रिलेशन फाइनली, मतलब हम लोग जब एक साथ रहते थे तो डेफिनेटली हम लोग शादीशुदा ज़िंदगी ही बिता रहे थे, बट एक होता है ना सोशल जो भी सबके सामने, तो वो संभव मतलब पोस्टपोन होता जा रहा था। काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे, हमारे घर वाले भी प्लान कर रहे थे शुरू में ही, हम मतलब हम मेरे घर वाले इनको देख लिए थे और इनके घर वाले भी हम मतलब मुझसे मिल लिए थे, मैं इनके गांव भी गई थी, तो सारा कुछ था ही, लेकिन संभव दैट सेरेमनी वॉज नॉट हैपनिंग। तो बट कभी मतलब उम्मीद ही नहीं किए थे कि इतने बड़े तरीके से और इतने अच्छे तरीके से वर्ल्ड वाइड फेमस शादी मेरी होगी, ये कभी सपने में भी नहीं सोचा। हम लोग कई सालों से साथ में थे, बहुत सारे लोग बोलते थे भाई शादी कर लिए पार्टी नहीं दिए, या बहुत सारे लोग टोंट वे से भी बोलते थे अरे शादी थोड़ी करेंगे ये लोग ऐसा वैसा। हाँ, मैं यही बोलता था कि जिस दिन हमारी शादी होगी उस दिन आपको पता चल जाएगा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से हमारी शादी का वो होगा। हम लोग ऐसे ही बोलते थे कि जब कहीं करेंगे कहीं हम बता के करेंगे, हम छोटे छोटे नहीं करेंगे, एक चीज नहीं ऐसा हो गया कुछ ऐसा, मतलब आई एम ब्लेस्ड। मैंने जो बोला था कि आपको पता चल जाएगा, मैं किसी को बताया भी नहीं, हाईलाइट है ना, तो इन्होंने किसी से बताया। हमारी शादी भी आज जैसी शादी है कि शायद उसको लोग इंटरनेशनल मैरिज के नाम से लोग लाइव देखा है और बहुत पसंद किए हैं, सब लोग बहुत मुझे सोशल साइट पे मैसेज करते हैं और मुझे मतलब बधाई देते हैं, विशेस देते हैं, दे आर सो हैप्पी। और मतलब मुझे मतलब मेरा फेवरेट डे जो मतलब किसी लड़की के लाइफ में जो फेवरेट एंड बेस्ट डे होता है वो इतना स्पेशल हो गया, सो आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा मोना, ऐसे बोला जाता है, मतलब लोगों का ऐसा कहना है कि विक्रांत थोड़ी से लाइक शॉर्ट टेम्पर हैं, ये सच है क्या? कैसे, अगर है तो फिर आप कैसे मैनेज करते हो? बहुत ज़्यादा है, ये तो बिल्कुल सही है, शॉर्ट टेम्पर जितना मैं कूल हूँ, मैं मुझे तो गुस्सा ही नहीं आता है। इनफैक्ट गुस्से वाला सीन जब फिल्मों में करना होता है तो लोग बोलते हैं यार ये कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि मेरा वो आता ही नहीं है और उतना ही ये ज़्यादा लाउड है और है शॉर्ट टेम्पर तो है। और लेकिन जितना मतलब शॉर्ट वर्ड जो है शॉर्ट टेम्पर है उतना ही शॉर्ट टाइम तक वो टेम्पर रहता है। मैं मतलब कुछ भी हम लोगों के बीच में बातचीत चल रही है और मान लीजिए कुछ ऐसा मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे धीरे 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 चढ़ता गया तो हाई पॉइंट तक पहुंचने के बाद मैं थोड़ा सा रिएक्ट करती हूँ और मैं निकल जाती हूँ उस कन्वर्सेशन से, और फिर मैं अपने एक कोजी एरिया है जो मेरा बेडरूम, मैं वहाँ जाके बैठ जाती हूँ और फिर इनका जो शॉर्ट टेम्पर के बाद शॉर्ट टाइम में ही आ जाते हैं और मुझे मनाते हैं। घर हमने देखा काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी सजा के रखा है आपने, तो कौन हेल्प करता है लाइक घर को इतना अच्छा रखने में? ऑब्वियसली
मैं इनकी बहन भी है, इनकी सिस्टर, वो भी मतलब बहुत ही मतलब आफ्टर ऑल गर्ल्स तो ऐसे ही होते हैं ना। ये लड़की है। हाँ ये भी है, ये लड़की है जो दिन रात काम करती है। ये भी बहुत मतलब घर को साफ रखने के लिए एकदम रेडी रहती है हमेशा। कुछ भी ऐसे बाहर ऊपर से ऐसे नहीं रहना चाहिए और मतलब ऐसे दिखना नहीं चाहिए। तो हम दोनों, मैं तो कभी कभी बोलता हूँ एक काम करो, तुम दोनों ही मत रहो यहाँ। ये सब सिर्फ गंदा करते हैं और मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी कहीं पे भी पड़ा रहे। नहीं ऐसा नहीं है। हेलो, व्हाट, क्या बोल रहे हो, लोग क्या सोचे, ऐसा नहीं है। मैं हाँ ये जरूर है कि अब हर चीज ऐसे थोड़ी ऐसे से करके रखेंगे ऐसा। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ इसको, मतलब मेल लोग होते ही हैं ऐसे, हम लोग गर्ल्स लोग किस लिए है, साफ सफाई अच्छे से बनाना रख के और सब कुछ ठीक से करके रखना। वो लोग हैं तो जैसे कि ये लोग टूट पड़ते हैं जैसे इन लोगों को मौका मिलता है, टाइम मिलता है कि कहीं बाहर से आए। कि आप लोग आए हैं तभी ऐसे रखे हैं, नहीं कुछ एक दो चीज ही मैंने हटाया, मतलब सब ऐसे ही रहता है, ऑलवेज हम लोग टिप टॉप रखते हैं। एक्चुअली हम रिया से जानेंगे कि रिया कौन सबसे ज्यादा मेसी करते हैं, सामान इधर उधर कौन रखते हैं। ये फ्लोर भी गीला करते हैं, फ्लोर भी गीला करते हैं हमेशा। हाँ ये अच्छा, पहले इनका परिचय तो दे दें। ये इनकी सिस्टर है तो आप समझ सकते हैं मेरे क्या लगते हैं, लेकिन मैं उस रिलेशन से ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ये मतलब हम लोग पार्टनर इन क्राइम बोल सकते हैं, स्विमिंग से लेके एवरीवेयर हम लोगों का थॉट हमेशा सेम होता है। ये दोनों इतना सेल्फिश हैं कि मुझे लूडो में हराना चाहती है और उसमें भी हरा नहीं पाती। किस कभी कभार मेरा दिन मान लो खराब रहता है, जैसे मूड नहीं रहता, उस दिन ये लोग हराने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया ने ट्रॉफी जीत ली, ऐसा इनको फील होता है इन दोनों लोगों को। मतलब मुझे हराने पता नहीं, मतलब कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं है, मैं बल्कि घूमाता भी हूँ, बाहर भी लेके जाता हूँ, फिल्म भी दिखाता हूँ। अच्छे से कौन गंदा करते हैं और कैसे। वैसे आप लोगों ने देखा ही है, वार्डरोब देखा ना, तो बस यही गंदा करते हैं सबसे ज्यादा। आते हैं तो पैर गीला करके पूरा घर में राउंड मारते हैं, बोलने पे भी नहीं सुनते, कपड़े का भी सेम, टॉवल कहीं पे फेंक दिया गीला, तो बहुत सारी चीजें कितना बताएंगे। देखा, I was not wrong। मुझे इनके साथ बात करना, इनके साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी पसंद आया। आई होप कि आपको भी काफ़ी पसंद आया होगा। हम बस यही विश कर सकते हैं कि मोना एंड विक्रांत आप ऐसे ही हंसते खेलते रहो, ऐसे ही छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहे, और जैसे कि इन्होंने कहा कि शॉर्ट टेंपर होने के बाद शॉर्ट वाला वो नोकझोंक भी आपका ख़त्म हो जाए। तो बेस्ट विशेस फॉर हमारी लहरे टीम की ओर से। बहुत ही अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए, और मतलब मुझे लगता है लहरे हम लोगों के साथ बहुत पहले से ही मतलब जुड़ी हुई है, तो ऐसे ही हमें हमारे शायद आपका ये जो नाम है बड़ा अच्छा, वो जो आप चालू होता है ना टरिंग निंग निंग टरिंग करके म्यूजिक बहुत अच्छा। हाँ तो ऐसे ही आप लोग मेरे हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा ये सेगमेंट, फटाफट अपने कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, और हाँ नेक्स्ट आप किसको देखना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन खालिद के साथ मैं मिनी, लहरे स्मॉल स्क्रीन।